हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी उसको मॉडिफाई किया गया था 1992 में, और 1992 के बाद अब इसको मॉडिफाई किया गया है 2020 में। तो यहाँ पर जो भी मेजर चेंजेस किए गए हैं वो स्कूल और हायर एजुकेशन को लेकर किए गए हैं। तो चलिए इन पर विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बड़े बदलाव की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं MHRD मिनिस्टर हैं मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, तो हम उनको बोलते हैं MHRD मिनिस्टर। तो अब उनको बोला जाएगा शिक्षा मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। एजुकेशन पर जो खर्च होने वाला है वो है 6% ऑफ GDP, अभी जो खर्च होता है वो है 4.3%। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, GER, इसका मतलब होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, और इसका जो टारगेट है वो है 50% बाय 2035, और इस रेशो को बढ़ाने के लिए 3.5 करोड़ न्यू सीट्स भी ऐड की जाएंगी। और यहाँ पर बात कर रहे हैं हम GER की हायर एजुकेशन के लिए। और बात करें प्री स्कूल और सेकेंडरी लेवल के GER की, तो इसका टारगेट रखा गया है 100% बाय 2030। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि GER होता क्या है। तो यहाँ पर मान लीजिए इस एज ग्रुप के यानी 6 से 10 साल के बच्चे इस क्लास में होने चाहिए, यानी कि फर्स्ट क्लास से लेके फिफ्थ क्लास में होने चाहिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं इनकी टोटल पॉपुलेशन है 50, और जिन लोगों ने एक्चुअल में एडमिशन लिया उनकी पॉपुलेशन है 45। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 90%। तो यानी कि GER हुआ 90%। तो चलिए अब बात करते हैं स्कूली शिक्षा में हुए बदलाव की। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो मेन मुद्दा है वो है एंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी कि सभी बच्चों को एक जैसी एजुकेशन का प्राप्त होना। दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि स्कूलों को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को डिजिटली इक्विप होना चाहिए। इसके लिए इन सभी को डिजिटल टैबलेट, लैपटॉप, वाईफाई फैसिलिटी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। जो अभी का स्कूली सिस्टम है वो है 10+2 बेस्ड सिस्टम। इस सिस्टम को बदलकर अब कर दिया जाएगा 5+3+3+4 करिकुलर सिस्टम। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो करिकुलर स्ट्रक्चर है ये डिफरेंट एजेस पर यहाँ पर बांटा गया है। आप देख सकते हैं 3-8, 8-11, 11-14 और 14-18। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो आखिरी 4 साल होंगे उसके अंदर एक सब्जेक्ट के साथ आप दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, जैसे केमिस्ट्री के साथ आप हिस्ट्री ले सकते हैं, और साथ में एक स्किल भी ऐड कर सकते हैं जैसे डांस हो सकता है या फिर सिंगिंग हो सकता है। तो यहाँ पर मैं कुछ और मेजर पॉइंट्स के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे क्लास फिफ्थ के बाद क्लास सिक्स से आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी, और ये जो इंटर्नशिप होगी वो होगी आपकी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, यानी कि आपको कोई ना कोई नई स्किल सीखनी पड़ेगी। जैसे आप इलेक्ट्रिशियन का काम सीख सकते हैं या फिर कारपेंट्री का काम सीख सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। फिफ्थ क्लास तक यानी कि ग्रेड 5 तक जो भी टीचिंग होगी वो होगी आपकी मदर टंग में, यानी कि जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मराठी या फिर बंगाली भाषा हो सकती है। अगले पॉइंट में बताया गया है ग्रेड 3rd, 5th और 8th के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। बात करें बोर्ड एग्जाम की तो क्लास 10th और 12th के लिए ये कंटिन्यू रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। बात करते हैं आखिरी पॉइंट की। एट प्रेजेंट जो करिकुलम है उसमें कमी की जाएगी और फोकस किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ कोर कंसेप्ट पर, यानी कि स्किल बेस्ड लर्निंग पर ज्यादा फोकस होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।